For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी को तोड़ के सलमान खान और शाहरुख खान ने फिर दोस्ती कर ली और तब से दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है और उनके इस आपसी मेल मिलन को देखकर ऐसा लगता है कि करण अर्जुन का एक बार फिर जन्म हो गया है। दोनों ने एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो रोल्स भी किए हैं और अब ये सुनने में आया है कि एसआरके की फिल्म जीरो के मेगा पार्टिस को एसआरके ने सलमान की फिल्म भारत के लिए भेजा। हुआ यूं कि कुछ समय पहले जब दोनों खान मिले थे तब वो अपनी आने वाली फिल्मों की बात कर रहे थे, तब एसआरके ने अपने मेकअप आर्टिस्ट का सजेशन दिया क्योंकि सलमान वरीड थे क्योंकि भारत में उनके 5 अलग अलग लुक्स है और दोनों खान के बीच ये दोस्ती भरे नगमे को देख कर हम तो बड़े खुश है। और आप? संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की रिलीज काफी अनसर्टेन थी मगर फाइनली ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये फिल्म एक नए नाम पद्मावत के साथ रिलीज हुई। इस फिल्म को कई वर्जन्स और लैंग्वेजेस में स्क्रीन किया गया। प्रोटेस्ट की परवाह ना करते हुए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को करीब 5000 से 6000 स्क्रीन में रिलीज करने का प्लान किया है। और हालांकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स उस फिल्म को बैकअप नहीं कर रहे हैं, मेकर्स को फिर भी यकीन है कि उन्हें सफिशिएंट स्क्रीन्स मिलेंगे। वेल, अगर ये सच है तो ये फिल्म बड़ी आसानी से सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी क्योंकि टाइगर जिंदा है इंडिया में सिर्फ 4600 स्क्रीन्स में रिलीज हुई थी। पद्मावत का 3D वर्जन एक यूथ सक्सेस है और अब देखना ये है कि एक्सटेंडेड वीकेंड इस फिल्म के लिए क्या कमाल करता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें जरूर बताएं। जब से सलमान खान की रेस 3 की अनाउंसमेंट हुई है तब से इस फिल्म के स्टोरी लाइन को जानने के लिए सभी बेचैन है। रेमो डिसूजा की इस फिल्म में विलन का रोल फ्रेडी दारूवाला करेंगे। जी हाँ, फ्रेडी दारूवाला वही है जो हॉलिडे और फोर्स 2 जैसी फिल्मों में विलन का रोल कर चुकी है। फ्रेडी एक बेहद हैंडसम विलन है ना? और जब सलमान फिल्म के हीरो है तो क्या कहे। टाइगर जिंदा है की सक्सेस से सलमान बहुत खुश है और अपना स्टारडम वो एंजॉय कर रही है और अब उनकी हिट फिल्मों के आने वाले सीक्वल्स के लिए हम एक्साइटेड है ना? फिलहाल रेस 3 के इस विलन के रोल के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। कैसे हो वारू? आप क्या कर रहे हो वारू? आपको सलमान खान पसंद है? आप सलमान खान से कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? आपकी मूवी बहुत अच्छी है। ओके, और आपकी मूवी का एक्शन सलमान को नाटक टू करने के लिए था। ओके, और नाचने का और सचने रेडी हो। गुड, और कुछ कहना चाहते हैं? और मुझे आपसे मिलना है। कब मिलना है? जब मेरा फायर ट्रक आ जाएगा। क्या जाएगा? फायर ट्रक। जब आपका फायर ट्रक आ जाएगा तब आप मिलेंगे। ओके, से बाय बाय। जब से संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज हुई है तब से करणी सेना ने अपनी हिंसात्मक प्रतिक्रिया शुरू कर दी है और इस बार यूपी में अजय देवगन के सिनेमा घर को निशाना बनाया गया। बॉक्स ऑफिस पर जब फिल्म की टिकट बिकने लगी तो करणी सेना ने अपना हिंसात्मक प्रतिक्रिया शुरू कर दी। लेकिन इस सब के बावजूद फिल्म को देखने दर्शकों की उत्सुकता कम नहीं हुई है और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार लोगों को पसंद आ रहा है और शाहिद और दीपिका की केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है।
पद्मावत वाकई में एक एंटरटेनमेंट का पैकेज है और हमें ये समझ नहीं आता कि क्यों कोई इसे रोकना चाहेगा। आपकी क्या राय है इस पर हमें जरूर बताएं। सीजन्स बदलते रहती है और सीजन्स के साथ साथ फैशन ट्रेंड्स भी। नो वंडर सभी बड़े ब्रांड्स हर सीजन में अपने नए कलेक्शंस लॉन्च करती है। स्प्लैश भी इस ट्रेंड को फॉलो करता है और इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान और कैटरीना हर लुक में हमें स्टंट कर देती है। अब हाल ही में इस ब्रांड ने हमारे साथ अपनी स्प्रिंग समर 2018 कैंपेन की कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स शेयर की है, जिसे देखकर हम तो काफी हैरान हो गए हैं। सलमान और कैटरीना इस कैंपेन में ब्रीजी और सुपर कूल लग रही है। वर्क फ्रंट पर ये दोनों अपने अपने अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी है। जहां सलमान रेस 3 की शूटिंग में बिजी है, वही कैटरीना थग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो के बीच जगल कर रही है। हालांकि फैंस को इन दोनों की फिल्म्स बहुत पसंद आती है, मगर जब ये दोनों एक साथ होते हैं फिर तो कमाल ही हो जाता है। खबरों की माने तो ये दोनों फिल्म भारत में एक साथ नजर आ सकती है, मगर इस बारे में अब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो जब तक हम इन दोनों के अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं, सलू और कैट की स्प्लैश स्प्रिंग समर 2018 कलेक्शन की पिक्चर्स आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। काफी समय से सलमान खान और उनकी अलेजेड लेडी लावुलिया वांतूर की रिलेशनशिप पर स्पेकुलेशंस चल रही है। सलमान के साथ रहकर इनिशियली मीडिया शायद रोमानियन ब्यूटी अब मीडिया को काफी कॉन्फिडेंटली फेस करती है और उनके सवाल भी हैंडल करने से नहीं डरती। जियो फिल्मफेयर अवार्ड 2018 के दौरान जब उलिया से सलमान और उनकी फैमिली के बारे में बात की गई, तो उन्होंने दिल खोलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किए। इस दीवा ने कहा कि उन्हें सलमान की फिल्म्स जाने मन, बजरंगी भाईजान और टाइगर जिंदा है बेहद पसंद है। सलमान के बारे में बात करते हुए उलिया ने कहा कि सलमान ने उन्हें काफी मोटिवेट किया है और उन्हें प्रोफेशनल सिंगिंग में एंटर करने की सलाह भी दी है। अपने लेटेस्ट सिंगल हर जाय रिकॉर्ड करके उलिया अब काफी खुश है और अपने और सलमान के फैन से काफी थैंकफुल भी है कि उन्होंने उसे इतना प्यार और एनकरेजमेंट दिया। इसी नोट पर उन्होंने ये भी कहा कि वो खान क्लान से काफी क्लोज है और वो सभी काफी वेलकमिंग है। उन्होंने कहा कि सलमान की फैमिली सभी को वेलकम करती है और अब उलिया को ये अपनी फैमिली जैसे ही लगने लगी है। वाव, अब आपका इस बारे में क्या कहना है हमें जरूर बताएं। सलमान खान की स्पाई थ्रिलर टाइगर जिंदा है को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हुआ है और रिलीज के 35 डेज बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ रही है। इस फिल्म को अब 2017 की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक माना जा रहा है और इस फिल्म ने ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर 338.28 करोड़ कलेक्ट किए हैं। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो हमें यकीन है कि ये फिल्म जल्द ही आमिर खान की फिल्म पीके का लाइफ टाइम कलेक्शन क्रॉस कर लेगी। आमिर खान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 340.8 करोड़ का कलेक्शन किया है। वेल, अब अगर सलमान खान इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे तो एक बार फिर वो बॉक्स ऑफिस की अनडिस्प्यूटेड सुल्तान बन जाएंगे। तो क्या टाइगर जिंदा है ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी या नहीं, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सलमान खान एक ऐसी स्टार है जो हमेशा न्यूबीज को इंडस्ट्री में फुटहोल्ड जमाने में हेल्प करती है। लोग अक्सर उनसे हेल्प लेने आती है। सालों पहले फिल्म बूम में एक डिजास्टर डेब्यू के बाद कैटरीना कैफ भी सलमान खान से मदद मांगने आई थी और जैसा कि बॉलीवुड के भाईजान ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने कैटरीना को न सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट दिलाए बल्कि उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी दिया। दोनों इस दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ गए और डेट करने लगे।
मगर फिर स्टारडम कैटरीना के सर चढ़ गई और उन्होंने सलमान से ब्रेकअप कर दिया। गुस्से में सलमान ने उन्हें याद दिलाया कि आज अगर कैटरीना स्टार है तो वो सिर्फ सलमान की वजह से है। इस झगड़े के कुछ दिन बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। मगर इस बात को अब कई साल बीत चुके हैं और ये दोनों एक बार फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन चुकी है। मगर हमें आज भी ये डाउट रहता है कि क्या कैटरीना आज भी सलमान की इन हर्टफुल वर्ड्स को याद करती है या फिर वो सब कुछ पीछे छोड़कर सच में आगे बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएं। सलमान खान अपनी फिल्म रेस 3 की शूटिंग में काफी इन्वॉल्व हो चुके हैं, जहां वो जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आएंगे। वेल, अब इस फिल्म के मेकर्स ने ऑलरेडी इस फिल्म का पेपी टाइटल ट्रैक और साथ ही एक और नंबर शूट कर लिया है और अब वो इस फिल्म का पहला रोमांटिक नंबर शूट करने जा रही है, जिसमे हमें सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी। हीर रांझा नाम के इस गाने को कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने आतिफ असलम गाएंगे और ये सुनकर हम सोच रहे हैं कि क्या वो फिल्म टाइगर जिंदा है की रोमांटिक बैलेड दिल दिया गला को मेंटेन कर पाएंगे। खैर, अब जो हमें इस गाने के बारे में पता चल ही गया है तो हम इस गाने के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मगर तब तक आपको इस गाने की खबर सुनकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं। फाइनली काफी ह्यू और क्राई के बाद संजय लीला भंसाली की मैग्नम ओपस पद्मावती रिलीज हो चुकी है। करणी सेना के प्रोटेस्ट के बाद इस फिल्म की रिलीज पोस्टपोन की गई थी, मगर अब कई कट्स, मॉडिफिकेशंस और एक नए नाम के साथ ये फिल्म हाउसफुल थिएटर्स में रिलीज हुई। कल तक मिस्क्रिएंट्स ने प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करने की धमकी देकर शो को स्टॉल करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट रूमर्स के चलते 4 स्टेट्स ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन लगाया था, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फिल्म सभी स्टेट्स में रिलीज होगी और CBFC ने भी इस फिल्म को क्लीन चिट दी थी। इतने सारे थ्रेट्स के चलते भी इस फिल्म को काफी पॉजिटिव फुटफॉल मिला है और कई मल्टीप्लेक्सेस ने टिकट्स की प्राइस भी बढ़ा दी है। फिर भी बुकिंग्स फुल चल रही है और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कमाल कर रही है। फैंस को राजपूत बालर की ये कहानी बेहद पसंद आ रही है और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो ये फिल्म बड़ी आसानी से ओपनिंग डे पर ही 20 करोड़ से ज्यादा कमा लेगी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें जरूर बताएं। टाइगर जिंदा है ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस में 550 करोड़ क्रॉस किए हैं। जी हाँ, सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारा इस फिल्म की ओवरसीज सक्सेस तो काफी चल रही है। फिर भी ये फिल्म PK, दंगल, बजरंगी भाईजान और सुल्तान के रिकॉर्ड्स ब्रेक नहीं कर पाई है। जिन्होंने सलमान की इस फ्लिक को देखा है वो सलमान की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस्ड है। सलमान ने इस फिल्म में होस्टेज नर्सेस को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन किया है। तो अब टाइगर जिंदा है के कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं।